चेस्ट फैट को कैसे कम करना है, चेस्ट के ऊपर फैट होता है बहुत ही गंदा लगता है। ब्रेस्ट साइज अगर बड़े हैं, ब्रेस्ट आपके बड़े हैं, उनको कैसे कम करना है। आपने मुझे भी देखा होगा और ये देखा होगा कि मेरी फिगर कैसी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, या आप सोचते होंगे कुछ लोग या लेडीज ऐसी होती हैं वो कभी मोटी नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। हेल्थ का इशू सभी को रहता है, या हम भी मोटे होते हैं, और मैं भी मोटी थी। मेरा तो ये लगा लिया, मैं जेनेटिकली मोटी थी, यानी मेरे जो मम्मी पापा हैं तो वो शुरू से ही हेल्दी थे, तो इस वजह से मैं भी बहुत हेल्दी थी। लेकिन उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके चीज़ों को समझना शुरू किया, ये समझना शुरू किया कि क्या चीज़ मुझे खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपकी दिनचर्या कैसी है, आपका डेली रूटीन किस तरीके का है। आप खा पी के बैठे रहते हो, या फिर सो जाते हो, या फिर किस तरीके का रूटीन फॉलो करते हो। खाने के बाद कैसे आप अपने आप को हैंडल करते हो, मेन वो चीज़ होती है, वो चीज़ आपकी बॉडी की शेप को बनाती है। तो वही मैंने किया, वो उन चीज़ों को समझा और अपने ऊपर ट्राई किया, और आज आप देख सकते हो कि बच्चे होने के बाद भी मेरी फिगर कैसी है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैडम ऐसा होना चाहिए कि हम आपके जैसे हो जाएं, और आपकी जैसी बॉडी है हमारी बॉडी भी ऐसी हो जाए। हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझना पड़ता है। कुछ अपना एक्सपीरियंस आज बताने जा रही हूँ, कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना ब्रेस्ट साइज रिड्यूस करना चाहते हो, अपनी ब्रेस्ट को रिड्यूस करना चाहते हो, चेस्ट के फैट को घटाना चाहते हो। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब भी हम कोई बॉडी के स्पेशल पार्ट के लिए एक्सरसाइज करते हैं कि हमें ये चीज़ कम करनी है, तो उससे केवल एक ही चीज़ कम नहीं होती, उससे दूसरी चीज़ भी कम होती है। अगर आप ये एक्सरसाइज अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आपकी ब्रेस्ट साइज तो कम होगी, साथ में आपका टमी भी कम होगा। मैक्सिमम जो लेडीज होती हैं उनकी ब्रेस्ट साइज तो बड़ी होती है, लेकिन उनका पेट भी बड़ा होता है साथ में, क्योंकि ओवरऑल मोटी होती हैं। ऐसा बहुत कम लेडीज के साथ होता है कि उनके अगर सिर्फ ब्रेस्ट ही बड़े हैं, उनका पेट बड़ा नहीं है। तो इसमें अच्छी बात यह है, जो एक्सरसाइज आज आपको बताने जा रही हूँ उसमें आपके ब्रेस्ट तो घटेंगी, लेकिन साथ में आपका टमी भी घटेगा और फैट भी घटेगा। तो जल्दी से जान लेते हैं कौन सी वो एक्सरसाइज है जो आपको डेली करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। तो एक खास बात आपको बताना चाहती हूँ जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में महसूस की और अपने ऊपर ट्राई भी की। मेरी जो दादी थी अभी एक साल पहले गुजरी हैं, और कम से कम उनकी उम्र रही होगी 90 के आसपास, इतनी उम्र की होकर वो गुजरी है। तो वो क्या करती थी अपने लाइफ में, उन्होंने क्या किया है, पहले हाथ से दूध पिलोते थे, यानी दही जो होती थी उसको हाथ से ऐसे मथते थे, वो रोज करती थी ये काम। मैंने उनको रोज ये काम करते हुए देखा। अब उससे होता क्या है, देखिए उससे मतलब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज तो होती है, पहले के काम जो थे उनसे एक्सरसाइज होती थी, तो बॉडी अपने आप की शेप में आ जाती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मेरी दादी और मम्मी घर पे नहीं थी, तो वो दही रखी हुई थी और वो काम मैंने करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा चलो करके देखती हूँ आज क्या होगा। तो उसने मेरी हवा निकाल दी। जब वो मैं कैसे करने लगी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरी इन चीज़ों पे आ रहा था, बहुत मैंने फील किया। वो काम शुरू तो कर दिया लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं रहता, मतलब कि उसमें इतना जोर लगता है और बहुत जाके मतलब मेहनत करने के बाद उसे घी बाहर आता है। लेकिन मेरी माँ जी रोज़ करती थी तो उनको आदत थी, वो जल्दी कर लेती थी ये काम। लेकिन आधे घंटे की मेहनत के बाद, पसीने बहाने के बाद कहीं घी जाके बाहर आया, तो मुझे फील हुआ कि ये चीज़ करने से हमारी इन चीज़ों के ऊपर प्रेशर आता है। तो आपको दूध नहीं पिलाना है, आपको मैं एक्सरसाइज बताती हूँ कि कैसे करनी है। मैंने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि पहले जो लेडीज थी वो कैसे स्वस्थ रहती थी और कैसे उनकी बॉडी शेप में रहती थी। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज करनी है। देखिए कैसे, अपने हाथों को ऐसे मुट्ठी बंद करनी है, ये आपकी पहली एक्सरसाइज। मतलब आप अगर बैठे हुए टीवी देख रहे हैं तो डेली करें इस तरीके से। पहले जब दूध पिलोते तो उनका जो वो रस्सी खींचने का प्रोसेस होता था वो इस तरीके से होता था, मतलब पूरा पीछे ले जाना इस हैंड को और फिर इस हैंड को ले जाना, क्योंकि मैंने वो करके देखा तो मुझे पता है, तो इस तरीके से करती। तो आपको भी ऐसे ही करना है, यानी आप बैठे भी हो, खाली पेट हो, सुबह में जब भी आपका टाइम मिल रहा है ऐसे ऐसे करते रहें। जब आप करेंगे ना तो आप देखेंगे ये चीज़, या जो आपके मसल्स है ये पूरे इन पे काम हो रहा है, पूरा मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं, पूरा इन पे काम हो रहा है। हर चीज़ की मूवमेंट जरूरी होती है। तो ये एक्सरसाइज आप कम से कम एक बार में जब शुरू में करेंगे तो 5 मिनट तक लगातार ऐसे करें, और जब हैबिचुअल हो जाए तो 10 मिनट तक लगातार ऐसे करते रहो। दिन में कम से कम 3 बार आपको ये चीज़ करनी है, फिर आप देखना ये चीज़ आपकी और ये चीज़ आपकी कितनी जल्दी कम होती है। ये होगी आपकी पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज है, आपको दीवार के साथ इस तरीके से खड़े होना है, और क्या करना है,
आपने पुशअप लगाने हैं दीवार के साथ में। सबसे पहले क्योंकि आप बिगनर्स हो, आपसे नहीं हो पाएगा, तो इसलिए दीवार के सारे पुशअप्स लगाने हैं। उसके बाद आपने काउंटर पुशअप लगाने हैं, मतलब जो छोटी आपका स्टूल होता है उसके ऊपर या स्लेप होती है किचन में उसके ऊपर कर सकते हैं। तो पहले दीवार वाला सीखेंगे, पहले दोनों हाथों से करना है। इस तरीके से फिर जब आपको ये चीज आ जाए अच्छे से आप कर पाओ, फिर आपको एक हाथ को रख के करना है इस तरीके से। ऐसे ही दूसरे हाथ से ये चीजें कर दी हैं। तो शुरुआत में आप दीवार के ऊपर करें, बाद में आप स्टूल के ऊपर, बेड के ऊपर या फिर स्लेप के ऊपर, किचन में जाके जहां भी आपका मन है आप कर सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज आपकी नी पुशअप्स। आप नी को इस तरीके से बैंड करके जमीन के ऊपर रखेंगे, अपने जो पैर है उनको उठा भी सकते हैं और नीचे जमीन से भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। और हाथों को इस तरीके से रख के ऐसे पहले दिन आप कम से कम 10 रेपिटेशन करेंगे। एक हफ्ता तो आप 10 ही कर पाओ वो ही अच्छी बात है, लेकिन अगले हफ्ते से आप बढ़ाना शुरू कर देंगे। अगले हफ्ते आप 15 करेंगे, ऐसे ही 5-5 आप बढ़ाते जाएंगे। जो हम पुशअप्स कर रहे हैं, कभी दीवार के ऊपर कर रहे हैं या फिर जमीन के ऊपर कर रहे हैं पुशअप्स, तो इसमें हमारे बाजुओं के, यहाँ के और यहाँ के ये सारे मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो मसल्स के टिश्यूज हैं वो टियर हो जाते हैं, और डैमेज की भरपाई के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए, तो बॉडी फैट चाहती है, बॉडी को एनर्जी चाहिए फैट के रूप में। तो फैट कहाँ से लेती है, उसके जो पास का एरिया होता है, यानी जैसे आपके यहाँ पे ये जो मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, स्ट्रेच हो रहे हैं, यहाँ के टिश्यू जो डैमेज हो रहे हैं, तो बॉडी यहाँ से इसके पास वाले एरिया से फैट लेना शुरू कर देगी, क्योंकि उसको रिपेयरिंग का काम करना है। और ऐसे जब यहाँ का फैट आपका लूज हो जाएगा तो बॉडी आपके पेट से फैट लेना शुरू कर देगी। तो ये प्रोसेस होता है जब आप पुशअप्स करते हैं, तो किस तरीके से जल्दी से आपका फैट रिड्यूस होता है, पहले यहाँ का फिर यहाँ का। तो अगली एक्सरसाइज कौन सी है, इन बोतल से करेंगे, देखिए कैसे। तो मैंने ये बोतल ले ली है, ये 1-1 लीटर की बोतल है, तो कम से कम 1 kg समझ लीजिए, 1 kg जितना वेट है, एक हैंड में 1 kg। तो आपके पास अगर डंबल है हैंड वाले छोटे वो भी ले सकते हैं, तो जो आपके पास हो वो उतना वेट आप ले सकते हैं। तो अपने हाथों को ऐसे लेट के आपने फैलाना है, हाथों में आपके बोतल रहेंगी यानी वेट रहेगा, और उसको धीरे धीरे ऊपर उठाना है, फिर वापस, फिर ऊपर, इससे आपकी जो चेस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, स्ट्रेच हो रही है, चेस्ट की ओपनिंग हो रही है, यानी मसल्स का पूरा काम आप ले रहे हो इस तरीके से। अगर आप इस चीज़ के हैबिचुअल हो जाओ, यानी बोतल आपको हल्की लगने लगे, तो आप इससे भारी वेट भी ले सकते हो, बड़ी बोतल भी ले सकते हो, या फिर डंबल ला सकते हो उससे ज़्यादा वेट के, उनका भी यूज़ कर सकते हो। तो आप डेली ऐसे करें, आपकी ब्रेस्ट जो है एकदम शेप में आने लग जाएगी, एक ही हफ्ते में आपको जो है रिजल्ट दिखने लग जाएगा। अब चौथी एक्सरसाइज में, या तो आप एक बोतल ले लें इस तरीके से, और इसको दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे अपनी गर्दन के ऊपर ले जाएं पूरा ऐसे, या बोतल थोड़ी हल्की लगेगी तो आप इस तरीके से, ये 2 kg का है ये भी ले सकते हैं अगर आपके पास है। ये आपके पोस्चर को भी सही करेगी एक्सरसाइज, और ये जो है आपका ब्रेस्ट साइज भी घटाएगी।
आपके आर्म फैट को भी रिड्यूस करेगी और साथ में पेट के फैट को भी घटाएगी। तो इस तरीके से ये भी एक्सरसाइज आप इस एक्सरसाइज के साथ में ही करें। तो लास्ट जो एक्सरसाइज है वो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर एक्सरसाइज है। मैंने डेली ये चीज़ करी है जब मुझे अपना फैट रिड्यूस करना था और इससे मुझे काफ़ी फ़र्क भी महसूस हुआ है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है इससे। और तब आप देख सकते हैं कि मेरी फिगर एकदम सेफ में है। तो करना क्या है कि हम लोग क्या है, जब पहले कपड़े निचोड़ते थे, लेडीज जो कपड़े निचोड़ती थी वो ऐसे निचोड़ती थी ऐसे, तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता था। यहाँ पे मैंने फील किया है, मैंने निचोड़ के देखा है, लेकिन आजकल ये चीज़ें हम करते ही नहीं, ये चीज़ें मशीन करती है, कपड़े निचोड़ने का मशीन करती है। तो हमारी जो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें बढ़ने लगी क्योंकि इनका काम हम ले ही नहीं रहे हैं, इनसे हम काम करवाते ही नहीं अपने हाथों से। तो आपने करना ये है, कपड़े नहीं निचोड़ने हैं, काम में नहीं लगवा रही हूँ, एक टावल ले लें इस तरीके का और उसको आप एक बकेट में थोड़ा पानी डाल के उसको भिगो दें, कोई भी पुराना टावल हो, और उसको पहले दिन क्या करना है, पूरा ऐसे करके निचोड़ना, आपने पूरा पानी निकाल देना, ऐसे पूरा पानी निकालना है पूरी मेहनत के साथ, ऐसे पूरे टावल से ऐसे, यानी जब तक एक एक बूंद उसकी, मतलब ये कोशिश करें एक एक बूंद आप पानी निकाल देंगे, तब आप देखेंगे ये चीज़ आपकी पूरी खींच रही है, यहाँ से ये सब चीज़ें खींचेंगी आपकी। पहली बार जब आप शुरू में करेंगे तो एक बार निचोड़ना है आपने, मतलब कि रोज एक बार निचोड़ना है, एक हफ्ते तक एक बार ही निचोड़ें, लेकिन धीरे धीरे आपको लगेगा ये आसान हो गया, एक बार में तो आपको आसान लग रहा है, आपने फिर दोबारा फिर डुबाना है दूसरे हफ्ते और दोबारा फिर ऐसे निचोड़ना है, यानी दो बार करना है। तो ये करेंगे आपके दो तीन हफ्ते ऐसे लगेंगे और ये चीज़ें आपकी शेप में आने लगेगी। तो ये एक्सरसाइज करिए और एक महीने के अंदर अंदर आपका पूरा फैट रिड्यूस हो जाएगा अगर आप मेहनत करके एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसके साथ ही खाने पीने का ध्यान रखें, बाहर की चीज़ बंद रखें, नमकीन भुजिया बिस्किट पिज्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ें आपकी बिल्कुल बंद रहनी चाहिए, किसी भी तरीके का केक पेस्ट्रीज कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर से पैकेट में आती है वो बिल्कुल बंद रखें। और इसके साथ ही दही दूध कम से कम खाएं, दही का जो लोग रायता बना के खाते हैं नमक मिर्च डाल के और पता नहीं क्या क्या मिला लेते हैं बूंदी वगैरह, वो चीज़ बिल्कुल बंद कर दे। आप सोचते हैं कि नहीं ये तो अच्छी होती है हेल्दी होती है, नहीं जी वो आपका फैट रिड्यूस नहीं होने देगी। दही खानी है तो उसकी लस्सी बना के खाएं, पतली लस्सी, और उसमें थोड़ा सा जैगरी पाउडर डालें, नहीं नमक डालने की जरूरत है नहीं कुछ। तो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज जरूर ट्राई करें, अपने एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर भी करें, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।